व्हीकल नहीं जा सकता यहाँ पे कोई भी, तो इस तरीके से एक तरह की हमारी ट्रैकिंग समझ लो विद किड। और हमें नहीं पता कि हम 1 किलोमीटर कैसे पार करेंगे। बहुत बारिश हो रही थी, हम कुछ भी साइड सीन और कुछ भी फोटोग्राफ वगैरह ढंग से नहीं ले पाए। कैसा लग रहा है? आज तो जीप गिरी आज तो गिरी जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, ये देखो पीछे अच्छी खासी बारिश हुई है। और बारिश के बाद जो फॉग होता है और जो ठंड होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। वैसे मैं 4 बजे उठ गई थी यहाँ का व्यू लेने के लिए, बिकॉज नाइट में ना सबके घर में फॉग के अंदर जो बल्ब जल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव। मैं 4 बजे उठी थी, उसके बाद वापस सो गई थी, फिर अभी उठी हूँ। सो आज हमारा 2-3 प्लेसेस विजिट है, तो अभी ताशु और सब शावर ले रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं। भैया आ जाएंगे हमें पिकअप करने के लिए, तो उसके बाद हम सारी प्लेसेस विजिट करेंगे। और आज मुझे लगता है कि सनलाइट बिल्कुल नहीं आएगी, आज ऐसे ही वेदर रहेगा। तो हमने अपने रेनकोट ठूस लिए, बिकॉज कल भी हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे, बट बहुत मज़ा आया था बारिश में। बिल्कुल हमें जैसा ऐसा ऊटी वाली वाइब्स आ रही थी, बिकॉज हम ऊटी भी बारिश में ही घूमे थे। सो वी आर एट आवर ब्रेकफास्ट प्लेस। ब्रेकफास्ट में है उत्तपम, हाँ डोसा और उत्तपम, डोसा, इडली, चटनी एंड एग। कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट? अच्छा ना? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, खाना भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, सामने का व्यू दिखा दी आपको, माय गॉड बहुत अच्छा व्यू है। तो आज हम जा रहे हैं और फाइनली वी आर रेडी टू गो टू एक्सप्लोर 3 places, 3 सुचिपारा, कादमरा, सम डैम इज देयर। भैया भी आ गए पीछे। ताशु, गुड से गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का इस तरह से चढ़ाई है और यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता यहाँ पे कोई भी, तो इस तरीके से एक तरह की हमारी ट्रैकिंग समझ लो विद किड। और हमें नहीं पता कि हम 1 किलोमीटर कैसे पार करेंगे। कम ऑन, सांसें भूल गई यार। एडकल मैंने तो मना किया था भाई, मैंने देखा हुआ है, इसके बाद 380 स्टेप्स और है। आज असली पता चल रहा है कि भाई हमारी बेटी बहुत बहादुर है। अभी 1/2 किलोमीटर हो गए और ये हमें फुल सपोर्ट कर रही है कि हाँ मुझे गोदी मत लो, मैं चलूँगी। तो जैसे जैसे आप केव्स की तरफ जाओगे, यहाँ पे आपको 15-20 शॉप्स मिलेगी, जहाँ पे आपको कहीं पे फूड आइटम, जूस और बटर मिल्क वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। और बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों के टॉयज, स्पाइसेस और फ्रिज मैग्नेट्स, और यहाँ पे वुडन का सामान स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है किचन के लिए, वुडन का सामान और हैंड बैग्स और वुडन के बैग्स बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। एंड मैं आपको बोलूँगी कि इन स्ट्रीट शॉपिंग से शॉप करना बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा सस्ते लगे एंड प्रोडक्ट भी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको होममेड, नेचुरल और ऑर्गेनिक आइटम अच्छे लगते हैं, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 700-800 meters डिस्टेंस कवर करने के बाद हमें फाइनली मिला टिकट काउंटर।
टिकट्स लेने के बाद ये जर्नी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं वो नॉर्मल स्टेयर्स नहीं होके स्टीप स्टेयर्स हैं, जिसे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अकेले हो, कपल हो, दोस्तों के साथ आते हो, तो फिर भी आप इन स्टीप स्टेयर्स को चढ़ सकते हो, बट बच्चे के साथ में इन स्टेयर्स को चढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपका बच्चा 6 ईयर से बिलो है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, गाइज प्लीज़ मत जाना। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मैंने लिटरली ये जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ निकाली। हमें ऐसा लग रहा था कि हमने गलती कर दी, बट बाद में ऊपर जाने के बाद बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। और जब आप नीचे उतरोगे तब आपको थोड़ी और डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि बच्चे को आपको हर समय गोद में कैरी करना पड़ता है। सोच समझ कर जाना अगर आप बच्चे के साथ ट्रैक करने का सोच रहे हो तो, क्योंकि ऊपर चढ़ना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था हमारे लिए। मुश्किल ही सही, फाइनली हम इडिकल केव पहुंच ही गए थे। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सालों पहले आदिवासी लोग रहते थे, और इस केव के पत्थरों पर उन्हीं के नेल्स के, उन्हीं की लैंग्वेज के निशान हैं। सो हम इसे पढ़ तो नहीं पाएंगे, बट ऐसा बोला जाता है कि लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इस केव को देखने के लिए सब लोग आते हैं। यहाँ का व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है, आप अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, बट किट के साथ थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी हो जाती है, अदरवाइज़ इसका लुक और इसका व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है। रिटर्न के टाइम पे हमने माजी यानी कि बटर मिल्क पी थी, बहुत ही टेस्टी थी ये, बहुत ही अलग टेस्ट था। इट्स यम्मी, ताशी यम्मी। दिस इज ट्विस्टेड टी गार्डन्स, और हम यहाँ पे हैं, बहुत ही सुंदर ब्यूटी। लास्ट टाइम हम ऊटी में गए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, हम कुछ भी साइट सीन और कुछ भी फोटोग्राफ वगैरह ढंग से नहीं ले पाए, बट नाउ सनराइज भी है, अच्छा है, सेकेंड डेस्टिनेशन और सेकेंड प्लेस टू विजिट विच इज कांतापुरा वाटरफॉल। और साइट काउंटर यहाँ पे टिकट के चार्जेस लिखे हुए हैं और टाइमिंग्स लिखा हुआ है कब क्लोज होता है। इस वाटरफॉल के लिए आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता, 20 से 25 स्टेप्स चलने के बाद वाटरफॉल आ जाता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कपड़े लेकर आते हैं और नहाते हैं, बट हम यहाँ पे कपड़े नहीं लेकर आए थे, क्योंकि हमें ऐसे लेक वगैरह में या फिर ऐसे वाटरफॉल में नहाने का शौक नहीं है। बट आपको पसंद है तो आप अपने क्लोथ लेकर आ सकते हो, साथ में कैरी कर सकते हो। सो ये वाटरफॉल वायनाड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे फोटोज़ आप क्लिक करवा सकते हो, बहुत ही डीप है ये, बट यहाँ पे आप अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हो। एक ये मस्ट विजिटिंग प्लेस में आपका, आप इसे रख सकते हो अगर आप वायनाड विजिट करते हो तो। देखने के बाद हम थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जो कि आई थिंक ग्लास ब्रिज है, 900 कांडी बीच वहाँ जाएंगे। हमें कुछ खा लेते हैं, और इस लड़की को ना टॉयज़ के अलावा कुछ नहीं दिखता, इसने सब जगह टॉयज़ खरीदे, सब जगह, और वही खरीदे जो इसके पास ऑलरेडी हैं, डॉल, बबल्स। Just...
एवरेस्ट को देखने के लिए पहुंचे हैं। बाप रे क्या, और बहुत डर कैसा लग रहा है। आज तो जीप गिरी आज तो गिरी जाएगी और दस को उल्टी आई जाएगी। बस 10 ही कदम की दूरी बची थी, जैसे ही हम ऊपर पहुंचने वाले थे बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि हमने सोचा था कि हम बाली वाले स्विंग पर और ये ग्लास ब्रिज पर अच्छी फोटोज लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हमें अपने रेनकोट और अम्ब्रेला के साथ ही फोटो लेनी पड़ी। हमने हमारा अम्ब्रेला और रेनकोट निकाला और हम पहनने के बाद ब्रिज पर गए। ये ब्रिज एकदम क्रिस्टल क्लीन दिखता है, आपको अपने फुटवेयर बाहर रिमूव करके फिर इस ब्रिज पर जाना होता है। बहुत सुंदर ब्रिज है, एकदम आपको टॉप व्यू दिखता है। जितनी मेहनत करके हम ऊपर पहुंचे थे इतना ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, बहुत ब्यूटीफुल है। बट बारिश होने की वजह से हम बहुत कम फोटोज़ क्लिक कर पाए, बट हाँ जो ये फॉगी सा और जो रेनी का वेदर था उसका एक अलग ही मज़ा था। अगर आप अकेले होते हो तो बहुत इंजॉय कर सकते हो, बट हमारे साथ में बच्चा भी था और हमें ये डर था कि उसको ज़्यादा कोल्ड ना हो जाए, इसलिए हम हार्डली वहाँ पर 10 मिनट्स रुके। बट शायद अगर बारिश नहीं होती तो हम इससे ज़्यादा टाइम भी वहाँ स्पेंड कर पाते। सो गाइज, आज मैं व्लॉग की एंड बिल्कुल बेड से करूँगी, बिकॉज बहुत बहुत थक गए। हमने 3 प्लेसेस करी, उसमें से 2 प्लेस तो ट्रैकिंग की थी और वो भी बच्चे के साथ में तो आप समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। तो हम होटल में आए, फ्रेश फ्रेश होने के बाद हमने खाना बाहर से मंगवाया हुआ खा लिया, और अभी मेरी ऐसी हालत है कि मतलब ये तो सो के उठ चुकी है, ठीक है, ये सो के उठी है, मैंने खाना खाया और अब मैं सो रही हूँ, और अभी बज रहे 9। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अजय अभी खाना खा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, और प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मिलती हूँ मैं अपने 3rd ब्लॉग के साथ में, 3rd है हमारा वायनाड में, और कल हम अपना रूम शिफ्ट कर लेंगे। एक्चुअली हम बेत्री रिसॉर्ट है, वहाँ सिर्फ हमारा रिसॉर्ट स्टे है, हम कोई सिटी विजिट नहीं करेंगे, एक तरह से रेस्ट ही मान लो, और रिसॉर्ट में घूमेंगे और पिक्चर्स क्लिक करेंगे, बस यही है। तो बस यही ब्लॉग एंड कर दी बस यही ब्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, से गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।